आदिदेव इन मनुष्यों की बलि से प्रसन्न होगा। आदिदेव हर प्रहर रक्त की बलि मांगता है। इन मनुष्यों का रक्त आदिदेव के उदर को शांति देगा। ले जाओ इन मनुष्यों को और अगले प्रहर की बलि के लिए इनमें से दो का रक्त आदिदेव को समर्पित होगा। माता आप चिंता मत कीजिए, राधाकरण हमें उन वनवासियों से अवश्य मुक्त करा देंगे। हो जाएंगे, किंतु तुम्हारी माता के पास समय नहीं है। उसे शीघ्र ही किसी वैद्य के उपचार की आवश्यकता है। उनके प्राण संकट में। प्राण तो तुम्हारे भी संकट में है बालक, मैं तुम्हारा वध कर सकता हूँ। क्या तुम्हें भय नहीं लगता? मुझे भय मेरी माता की मृत्यु का है। यदि मेरी मृत्यु से मेरी माता के प्राणों की रक्षा हो सकती है से प्राण ले लीजिए, किंतु उन्हें वैद्य की आवश्यकता है। तेरी माता बहुत पीड़ा में। मूर्ख बालक, आदिदेव बलि मांगता है, रक्त मांगता है। तुम्हारी माता की पीड़ा अब केवल आदिदेव ही शांत कर सकता है। सूर्यदेव, आपका पुत्र कर्ण इतनी विपत्तियों का सामना क्यों कर रहा है? भगवान सूर्यदेव, सोना पिघल कर कुंदन बनता है, जल भाप बनकर शुद्ध होता है, और शक्तियां संघर्षों के कारण ही सामर्थ्य में परिवर्तित होती हैं। पुत्र शनि, किंतु उसकी आयु बहुत कम है। बालक, आप अपने पुत्र की सहायता नहीं करेंगे भगवान सूर्य? तुमने स्वयं भगवान शिव को अपनी दृष्टि से विपत्ति का अनुभव कराया था शनि,
इतना सामर्थ्य यदि तुम में है शनि, तो इन कठिनाइयों को पार करने का सामर्थ्य मेरे पुत्र कर्ण में भी है। पुत्र की सहायता नहीं की जाती, उसे तो केवल मार्गदर्शन दिया जाता है। और पुत्र जब स्वयं अपने प्रयत्न और पराक्रमों से जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त करता है, तो उसके पिता को सुख प्राप्त होता है। सहायता करने का कार्य तो भाई का होता है ना, तुम अपने भाई की सहायता नहीं करोगे? वही तो कर रहा हूँ पिताजी। सारी विपत्तियां मेरे कारण, कर्ण के भाग में मेरी दृष्टि से 7.5 वर्ष की कठिनाइयां लिखी हैं। आज मैं उसकी अंतिम परीक्षा लूंगा। जीवन और मृत्यु का अंतिम खेल होगा आज। सबकी बलि चढ़ेगी। ले जाओ इसे। नहीं, मेरी माता बहुत पीड़ा में, मेरी माता को मुक्त कर दीजिए। छोड़ मुझे, आप मेरी माता की पीड़ा समझ क्यों नहीं रहे? आप मेरी मृत्यु कर दीजिए। हिम्मत रखो राधा, हिम्मत रखो। आयुष्मान भागव पुत्र, समस्या का उपाय नहीं है। तो उपाय क्या है? जाओ, तुम मेरी माता की रक्षा किस प्रकार होगी? यदि हम जान जाए कि ये वनवासी कौन है और इनके दिए हुए इस घाव से इनका परिणाम ऐसा क्यों हो रहा है, तो कदाचित हमें उपाय मिल सकता है। वनवासी अपने बाणों पर एक विशेष प्रकार का विष लगाते हैं। विष के कारण ही तुम्हारी माता की ऐसी दशा हुई है। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब तुम्हारी माता को स्पर्श करेगी, तो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। प्रत्येक विष का कोई ना कोई उपचार होता है ब्राह्मण देव। होता है महोदय, किंतु इस कारागार के भीतर नहीं। तो यदि आपको इनके प्राणों की रक्षा करनी है, तो आपको शीघ्र ही इन्हें यहां से ले जाना होगा। इस वन के पार एक पर्वत है, सप्तदल। उस पर्वत की चोटी पर सूर्य की प्रथम किरण से एक विशेष प्रकार की दिव्य औषधि उत्पन्न होती है। केवल उसी औषधि से तुम्हारी मां के प्राण बचाए जा सकते हैं। हम प्रातःकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं पिताश्री। किंतु हम इस स्थान से कैसे निकल पाएंगे? आप मार्ग बना सकते हैं प्रातःकाल।
यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाल, तोड़ दो अपना धनुष। मैंने धनुष का त्याग कर दिया माता। मैं माता का वचन नहीं तोड़ सकता। पुत्र करण इस समय तुम्हारे माता के प्राण संकट में है। तोड़ दो वचन, उठाओ धनुष। नहीं तो यदि मैंने धनुष को स्पर्श किया तो मेरे वचन का क्या मूल्य रहेगा? दादा कर्ण, क्या माता के प्राणों से अधिक मूल्य आपके वचन है? माता के दिए गए वचन से केवल माता ही मुझे मुक्त कर सकती हैं। हमें यहाँ से निकलने का कोई और मार्ग ढूंढना होगा। शोर, आदिदेव को बलि देने का वक्त हो गया है, जाओ जाकर उसकी माता को ले आओ। केवल मेरी बलि चढ़ेगी, मेरी बलि चढ़ेगी। नहीं पिताश्री। कर्ण, शोण, अपनी माता की रक्षा करना। धनुष उठाइए भ्रातकर्ण और पिताश्री के प्राणों की रक्षा कीजिए। उठाइए धनुष भ्रातकर्ण, उठाइए। धनुष उठाओ। उठाइए धनुष भ्रातकर्ण, उठाइए। धनुष। हाँ भ्रातश्री, धनुष उठाइए। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण जब तुम्हारी माता को स्पर्श करेगी तो उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। करण, इस समय तुम्हारे माता के पंच संकट में है। तोड़ दो वचन, उठाओ धनुष। माता के प्राणों से अधिक किया। प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरण तुम्हारी माता प्रातःकाल सूर्य की किरण उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मैं अब आपका वचन तोड़ने जा रहा हूं। मुझे ले जा, मेरी बलि दे दो, किंतु मेरे परिवार को मुक्त कर दो। Thank you.
बलि मांग रहा है। कहाँ है बलि?